दिनांक 1/11/2022 को ग्राम समोहा के ग्रामवासियों द्वारा बिजली विभाग दिनारा के अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ थाना करीरा में दर्ज शिकायत पर दो कर्मचारी बलराम झा और अनुज सिंह ठाकुर पर दोषारोपण करते हुए ग्रामीणों के दबाव में पुलिस द्वारा FIR दर्ज कर दी थी। ज्ञात हो कि समोहा गांव पर 11 लाख रुपये की राशि बकाया होने के बाद विद्युत मंडल द्वारा मेन सप्लाई बंद कर दी गई थी, लेकिन विद्युत उपकरण चोरी न हो जिस कारण से एक तार 11 KV सप्लाई चालू रखी थी। विद्युत विभाग के अधिकारियों के अनुसार जिसकी जानकारी ग्रामवासियों को दे दी गई थी, लेकिन घटना दिनांक को लाइट चोरी करने के उद्देश्य से मृतक सोनू पुत्र शुगर सिंह लोधी उम्र 30 वर्ष निवासी समोहा की मृत्यु चोरी से तार डालने से हो गई थी। मृतक को बचाने के प्रयास में उसका भाई उत्तम लोधी भी घायल हो गया था। मृतक और उसके भाई द्वारा लाइट डालने से पूर्व किसी प्रकार की अनुमति विद्युत विभाग से नहीं ली गई थी। सहायक प्रबंधक द्वारा पत्र क्रमांक 226 दिनांक 2/11/2022 को पुलिस करीरा थाने को ग्राम समूह के निवासी उत्तम सिंह लोधी सहित 5 अन्य व्यक्तियों पर अवैध और गैर कानूनी कार्य करने पर FIR दर्ज करने हेतु बावत पत्र दिया गया था, जिसकी सुनवाई पुलिस द्वारा नहीं की गई थी। उक्त मांग को लेकर बुधवार को विद्युत मंडल प्रांगण में उप संभाग करीरा के सैकड़ों कर्मचारी द्वारा हड़ताल प्रातः 11 बजे से शाम 5 बजे तक रखी गई, जिस कारण से करीरा नगर सहित कई गांव के विद्युत सप्लाई भी प्रभावित रही। विद्युत मंडल के कर्मचारियों और पदाधिकारियों का कहना है कि यदि हमारी सुनवाई नहीं की गई तो यह हड़ताल अनिश्चितकालीन होगी। धरना के दौरान राजेश भार्गव अध्यक्ष, पत्रोपाधि संघ शिवपुरी, इंद्रपाल सिंह बघेल सहायक यंत्री करीरा, उप संभाग कनिष्ठ यंत्री RK जैन, महेंद्र सिंह, हरि ओम, शंकर यादव, दीपक सिंह, राहुल ओहरी सहित 100 से अधिक कर्मचारी धरना में शामिल रहे। संवाददाता संजय गुप्ता की रिपोर्ट। आज धरने पर बैठे हैं, इसका कारण क्या है? अपना संकल्प वही लगता है सर। समूह में जो घटना हुई 11 KV तार पहले लाम पहले से बंद थी, वे दूसरी लाम से डोरी डाल रहे थे और उन्हें करंट लग गया। हम लोग दावर बाट काम करके दिनारा पहुंचे, फिर हमारे लिए सूचना मिली कि वहाँ घटना हुई, फिर हमने मौके पर पंचनामा बनाया और साफ हो गया। जिस व्यक्ति को करंट लगा वहाँ आपकी लाइन चालू थी या बंद थी? बंद थी। आपको क्यों दोषी मान लिया उन लाइन? वो 4-5 दिन से लाइन सप्लाई बंद थी, पहले से वे क्या दूसरी लाइन चालू थी उससे भी डूबी डाल के ले आ रहे थे और उन्हें करंट लगा। आपका नाम क्या है? बलराम झा। जी आप पर जो FIR हुई है, पूरा मामला क्या है? सर हमारी जो बकाया राशि पर हमने गांव बंद किया था 29 तारीख को समूह पर, तो हमने 2 तार उतार लिए थे नदी के पास से। हमारे पास ना तो कोई उन्होंने परमिट लिया, ना हमसे कोई संपर्क किया उन्होंने कि कुछ कार्य करना हो। और जब हमको तो जब मालूम पड़ा, जब हम दावर वाट थे, पोक्सी नाम के लड़के का फ़ोन आया कि मेरे भाई को करंट लग गया है और आपने हमको बताया नहीं, जबकि गाँव में दो DTR फूके, उनमें एक फेज जा रहा, उनकी लाइट भी चालू है सर, तो उन्होंने तो झूठा केस लगाया सर। जी सर, पत्रोपाधि अभियंता संघ का सुप्री व्रत का अध्यक्ष हूँ। ये सभी कर्मचारी आउटसोर्स संविदा जितने भी हैं, समूह में जो घटना हुई थी उसमें हमारे कर्मचारियों पे गलत झूठी FIR दर्ज कर दी गई, तो एक तो हमारी उसी को निरस्त करने की मांग थी, दूसरा जो दोषी लोग थे जो चोरी की विद्युत के लिए तार डाल रहे थे और दुर्घटना घटित हुई उनके खिलाफ FIR काटने का आवेदन है, वो भी नहीं काटी गई है। उसके खिलाफ हम लोगों ने 3 तारीख को ज्ञापन दिया था कलेक्टर महोदय को और SP साहब को, इसके उपरांत 4 तारीख को हमने ऊर्जा मंत्री जी को भी ज्ञापन दिया, लेकिन आज दिनांक तक उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई, ना FIR काटी गई। उसके विरोध स्वरूप आज कार्य बहिष्कार करके कर्मचारी लोग फिर से धरने पर बैठे हैं और जो सतही फीडर फाल्ट के कारण ट्रिप हो गए वो चालू करने के लिए स्टाफ नहीं है, तो सब बंद पड़े हुए हैं। और अगर अभी भी हमारी सुनवाई नहीं होती है, FIR दर्ज नहीं की जाती है, तो आगामी समय में अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार हम लोग करेंगे।